दोस्तों, ये है गोदरेज का 4-स्टार इन्वर्टर एसी और इसको मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ये आज मुझे डिलीवर हुआ है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। कल इसका इंस्टॉलेशन होना है तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी एट 52 डिग्री सेंटीग्रेड, 5-in-1 कन्वर्टेबल, 4-way स्विंग, 100% कॉपर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ड्राई फिल्ट्रेशन, प्योर एयर, ब्लूफिन, और यहाँ पर 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर वारंटी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग गोदरेज इन्वर्टर, और बाकी यहाँ पर पावर सेविंग गाइड भी आप देख सकते हैं, 4-स्टार, और ICR रेटिंग यहाँ पर 4.45 है। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लायंस टाइप RAC स्प्लिट, ब्रांड गोदरेज, और इसका मॉडल और ईयर भी देख सकते हैं। ये मई 2024 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, अभी पिछले महीने ही बना है ये, और आज 3 जून है। और यहाँ पर आप इसकी कूलिंग कैपेसिटी देख सकते हैं, 4800 वाट 100% पे, और कूलिंग कैपेसिटी 50% 2400 वाट पे। और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 835 यूनिट पर ईयर है। और कंप्रेसर टाइप यहाँ पर वेरिएबल स्पीड लिखा हुआ है, हीट पंप नो। तो ये इस तरह से है, मैं इसके साथ जो आया हुआ है रिमोट वगैरह भी देख सकते हैं। ये कुछ टेप है और ये रिमोट है। इसमें बैटरी नहीं आई थी तो मैंने बैटरी ख़रीदा है और उसमें लगा दिया है बैटरी को। और बाकी यहाँ पर गुल्ली पेच वगैरह है एसी फिट करने के लिए, और ये सब वारंटी कार्ड है। बाकी यहाँ पर एक आउटडोर यूनिट के लिए पावर केबल है। तो एसी की मैं डिज़ाइन को दिखा देता हूँ। अभी ये सील है पूरी तरीके से, तो मैं इसको अभी नहीं खोलूँगा, इंस्टॉलेशन करने वाले आएंगे तो वही सब यहाँ पर खोलेंगे, क्योंकि वही सब खोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये इसका आउटडोर यूनिट आप देख सकते हैं, R32 रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ISR यूनिट यहाँ पर भी दी हुई है। साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसका मॉडल नेम वगैरह ये देखिए। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका नेट वेट 24 किलो है आउटडोर यूनिट का। मॉडल नेम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एसी का भी मैं दिखा देता हूँ, ये ऊपर इंडोर यूनिट का। और पीछे से भी ये कुछ इस तरीके से है आउटडोर यूनिट। बाकी ये तो इंडोर यूनिट का ऊपर का ऑप्शन, ऊपर का एरिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे चलाने पर कम पावर कंजप्शन होता है। तो इसका मैं कल इंस्टॉलिंग का भी वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन बॉक्स डिलीवरी। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो बॉक्स डिलीवरी बॉय ने पूरा दोनों बॉक्स खोला था, मैंने एसी को पूरी तरीके से चेक किया है, पाइप वगैरह सब कुछ है या नहीं है, सब चीज़ मैंने चेक की है। उसके बाद मैंने OTP बताया है,
और ये देख सकते हैं यहाँ पर, यह है कॉपर पाइप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।